हेलो गाइज, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट आपको भी चौंका देगा क्योंकि इस ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अब अरमान अभिरा को पाने के लिए हर वो हद पार कर देगा जो कि आपने भी नहीं सोचा होगा। अरमान अब जान चुका है रूही की असलियत। रूही को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला है अरमान, क्योंकि अरमान को पता चल गई है रूही की काली सच्चाई की रूही उसे प्यार नहीं करती, बस दीवानों की तरह उसे चाहती है और वो उससे शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं अभिरा से दूर करना चाहती है। वो अरमान को अभिरा से बदला लेना चाहती है रूही, और यही वजह है कि रूही ने अरमान को अपने जाल में फंसाने की है कोशिश। लेकिन अरमान किसी भी हाल में अपनी अभिरा से नहीं होना चाहता है दूर, और वो ये बात अब कह चुका है रूही के सामने कि मैं अगर हूँ किसी का तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरी अभिरा है, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, यहाँ पर तुम्हें और मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो चलो अब हम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं। ये जो जाल बिछाया है अरमान ने, ये सिर्फ और सिर्फ रूही की चाल को एक्सपोज करने के लिए बिछाया है क्योंकि अरमान को पता है कि रूही उसे सच्चा प्यार नहीं करती है, क्योंकि अगर वो उसे सच्चा प्यार करती होती तो वो उसके साथ मरने के लिए भी राजी हो जाती। लेकिन जब अरमान गाड़ी को तेज तेज चला रहा होता है तो रूही को हो रही होती है अपनी जान जाने की घबराहट, चेहरे के होश उड़े नज़र आते हैं, वो परेशान नज़र आती है, वो डरी हुई नज़र आती है क्योंकि उसे अपनी जान को खोने का खतरा सता रहा होता है कि अब अरमान उसे छोड़कर चला जाएगा अपनी अभिरा के पास और रचाएगा अभिरा से शादी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभिरा जो है वो भी अरमान को करती है बेइंतहा प्यार। दुल्हन बनी वो सजी नज़र आ रही है, मंडप भी सजा है, लेकिन अरमान अभी तक नहीं पहुंचा है। घर वाले अरमान के खिलाफ अभिरा को भड़का रहे हैं कि अरमान नहीं करना चाहता तो उससे शादी, वो अब नहीं आएगा। लेकिन अरमान की अभिरा को नहीं होता इस बात पर यकीन, और अब वही दूसरी तरफ अरमान करेगा रूही को मारने की कोशिश। अरे अरे, मारने की असलियत में वो कोशिश नहीं करेगा, दरअसल वो उसको डराकर उसका सच लाना चाहता है सबके सामने। बहरहाल गाइस, वीडियो कैसा लगा, क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइए मुझे कॉमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही,